अच्छा आपको मैंने वादे हो रहे, आप मतलब इंस्टाग्राम पे काम करते हैं क्या? नहीं नहीं कहीं काम नहीं करती। अच्छा मैं 250 बच्चों को फ्री पढ़ाती हूँ। मेरा नाम राजेश्वरी बिश्नोई है, गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को। हेलो नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आज के देवजी समाज के महाकुंभ के बारे में आप किस तरह से देखते हैं? महाकुंभ एक जागरूकता के लिए था, एक शिक्षित बच्चों को करने के लिए था जी, और बहुत अच्छा हुआ जी। और बहुत और यूथ के अंदर एक अलग एनर्जी थी और वो पारंपरिक वेशभूषा में आए, तो क्या कहना चाहेंगे कि आगामी जैसे रहना ही चाहिए, अपनी वेशभूषा और अपना कल्चर कभी छोड़ना नहीं चाहिए, मेरा मानना है। जी। जब भी कोई ऐसा फंक्शन हो, शादी वगैरह हो, कोई भी फंक्शन हो, तब छोड़ना नहीं चाहिए, अपनी वेशभूषा को अपनाना चाहिए। बिल्कुल। आप कहाँ से बता रहे? मैं गुजरात से आई हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना कि कल्चर कहाँ है, एजुकेशन, दिस इज द वो क्या कहते हैं, कल्चर विथ एजुकेशन। इसे और देवासी समाज को इस चीज को लेके एक महीने से सपोर्ट कर रही हूँ, बिकॉज देवासी कम्युनिटी एंड बिश्नोई कम्युनिटी आर सिमिलर्स, इसीलिए वी आर लव यू। अच्छा मैडम, मैं भी पुराने कल्चर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर में कल्चरल वीडियो बनाता हूँ। ओके। मैं छोटा सा यूट्यूबर हूँ। ओके। 6 लाख फॉलोअर्स है मेरे। कांग्रेचुलेशंस। हाँ तो धन्यवाद। तो मैंने वहाँ कई जगह देखा, तो आपने मतलब बूढ़े बड़ेरे जो पुराने पारंपरिक वेशभूषा में, तो मैंने देखा हाँ ये बहुत अच्छा है, तो क्या कैसे देखते आज के माहौल को कैसे देखा आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ही बता दूं कि मैंने जैसे कि मैं खुद अपने ट्रेडिशनल को फॉलो करती हूँ, और जहाँ तक एजुकेशन और ट्रेडिशनल दोनों अलग चीजें, पर आज की गर्ल्स है, आज के जो यंग जनरेशन है, यूथ है, वो ये सोचते हैं कि ट्रेडिशनल और वेस्टर्न, हम अगर वेस्टर्न ड्रेसअप, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं तो हमें अपना ट्रेडिशनल छोड़ देना चाहिए। बट शायद वो भूल रहे हैं कि जड़े अगर पेड़ से अलग हो जाए तो पेड़ खोखला होकर गिर जाता है। और देवासी समाज, बिश्नोई समाज, जाट समाज, राजपूत समाज, उन्होंने इस तरह से राजस्थान में हजारों समाज ऐसे मिलेंगे, हजारों कुटुंब मतलब कबीले ऐसे मिलेंगे जो अपने समाज को जिंदा रखे हैं, अपने समाज की परंपराएं, रीति रिवाज, रस्में, परंपराएं उनको जिंदा रखे हैं। और इसलिए इस उन मतलब उन तमाम समाजों को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। तो मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, एजुकेशन अलग चीज है, एजुकेशन का घमंड आप संस्कृति पर हावी मत होने दीजिए। संस्कृति जिंदा है तभी आप जिंदा हो, अगर आपकी संस्कृति खत्म है तो आपकी वैल्यू जीरो है, जीरो। और आपकी संस्कृति है, आपकी बोली है, भाषा है, मारवाड़ में कह जू कि देखो बारे भले कितनी बुझ जो बोली छोटो तो छोटो, थारा कपड़ा छोटा नहीं, बोली छोटी नहीं, थाने कुत्ता बराबर कोई पूछे कोई नहीं, कोई ठीक है, तो थारी बोली हैंग सब कुछ है, थर को तो बोली को पेराज कोई ऐसा, राजपुतम बूझो हुकम दाता आओ भाईसा, बिना बूझो नोन प्रणाम जाता में बूझो थर को तेजल गो और देवाशा को तो कहो ही के। तो कहने का मीन्स मेरा ये है कि जो भी गर्ल्स, जो भी आजकल के यंग जनरेशन है, वो ये सोचते हैं कि हम अगर छोटे छोटे मिनी स्कर्ट, छोटे छोटे कपड़े पहनने लग जाए तो हमारी ज्यादा वैल्यू है, तो ये इनकी छोटी सोच है। आपके सोच ऊपर होनी चाहिए, आपके कपड़े ट्रेडिशनल ही अच्छे लगते हैं, अंग प्रदर्शन को कल्चर नहीं कहते हैं। जैसे बीकानेर और जैसलमेर बाड़मेर में कहीं ना कहीं मर्यादा बची है, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं नहीं, बहुत जगह बची है सर जी। थोड़ा सा सर्च कीजिए, आपको पूरी की पूरी मर्यादा नजर आएगी। ये तो इस इंस्टाग्राम ने मारवाड़ में जो मेथी में लुड़ी है, और नैना तो नहीं, मर्यादा तो गांव में आते घनी पड़ी है, और एक अशोक गहलोत जी फोन में बांटे बेटी का बाप ने जा लुगया तो जीवन आराम कर दिया, मोटिया रोटी मांगे टीकर कुके मावड़ी रोटी कर दे, और गहलोत जी थे वो फोन में बैठ क्यों लकड़ गा तो लुगया गे आता थोड़ी को काम है, थे फुट आओ ने आओ लुगया ने घर तोड़ा है, मोटियार भूखा मर्जी आता थोड़ी को काम। अगर मैडम जी बात की जाए कि सबसे सरल स्वभाव और संघर्षशील कौम की जब बात आती है तो देवासी समाज, सबसे सरल स्वभाव, अपनी संस्कृति को आज भी जिंदा रख रहे हैं, पारंपरिक वेशभूषा के साथ, पशुपालन पारंपरिक केस में बिना शर्मिंदगी, बिना शर्मिंदगी। एक होता है छोरा और पूर पैर ले रहे, आज भी कार्यक्रम में माँ बाप के डर से बच्चा जबरदस्ती पहन के जाता है, ये लोग शौक से पहनते हैं, ट्रेडिशनल को पहनने के बाद गर्व महसूस करते हैं, ठीक है। हम लोगों के माँ का थोड़ी पेट पैर था, माँ छोटूड़ी कोटा तो दिशे आता था, पूरी क्या दिशे छोड़ जाते हुंडी नीचे नीचे पेड़ दिशे बाकी ना पूर है। और आजकल के लड़के काठी काठी जींस भी पैर लाई, पग तो है कोई नहीं, पग में मांस कोई नहीं, घी तो ठोके कोई नहीं, दूसरी बात पते उजी चोड़ा। अरे देवासी समाज के यूथ को देखिए, मैंने आज खुद देखा है, एक पीएचडी होल्डर संस्कृत का लेक्चरर, आप उस बच्ची को देख लीजिए, ठीक है,
मैं अभी दिखाती हूँ, जस्ट मिनट, वन मिनट बेटा इधर आओ, मैं अभी दिखाती हूँ, जस्ट मिनट, वन मिनट प्लीज, वन मिनट मैं दिखाती हूँ आपको, जस्ट मिनट, वन मिनट प्लीज, रिक्वेस्ट। ये यूट्यूबर है, ये है देवासी समाज की बच्ची, ठीक है, जिसने अपने कल्चर को जिंदा रखा, एजुकेशन के साथ में अपने पिता का और संपूर्ण नागौर जिले का नाम रोशन कर रही है ये बच्ची, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी रियली बड़ी बात। ये बच्ची देवासी समाज की नहीं है, बल्कि ये बच्ची पूरा राजस्थान देखेगा, आपको देखिए बहुत ही खूबसूरत कहते हैं मिश्रण समावेश, अगर आप जिंदा रखना चाहो ना तो सब कुछ जिंदा रख सकते हो, वरना ये चाहती तो जींस पहन लेती, कौन ही नहीं यहाँ रोकता, ये चाहती तो मिनी स्कर्ट पहन लेती, कौन ही नहीं यहाँ रोकता, ये सलवार सूट साड़ी में भी आ सकती थी, लेकिन फिर इन्हें कौन कहता कि गर्व से कहो हम रवारी देवासी समाज के हैं, बहुत बड़ी बात होती है ये। थैंक यू सो मच मैम, एंड यू रियली, अच्छा लगा आपसे मिलके, और दिल से सच में बहुत ही खूबसूरत ये है राजस्थान और गुजरात का बहुत ही सुंदर समावेश। थैंक यू, गुड लक, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर। वाह जी वाह, क्या बात है, आपने बहुत खूब बात कही और मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए आपकी इस बात से। और मैं इस यूट्यूब के माध्यम से, सर के माध्यम से एक चीज कहना चाहती हूँ, टूडेज जो आज की जो जनरेशन है, स्पेशली वन मिनट सर, आज की जो जनरेशन है जी, जो खुद को छोटे छोटे कपड़े पहनकर बहुत ज्यादा वेस्टर्न समझ रही है, उनको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, अपने पिता की पगड़ी उन मिनी स्कर्ट्स में आप सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हो, अपने बाप की कमाई हुई इज्जत, खून पसीने की मेहनत को आप सरेआम लोगों का मनोरंजन कर रहे हो, जिस्म की नुमाइश कर आप कभी भी फेमस नहीं हो सकते, लेकिन आज आप इनको देख लीजिए, इनको कहते हैं बिल्कुल हिट होना, फेमस होना, ये है सीख।